और मैं आपको बताता हूँ कि 8 घंटे की मेहनत कैसे दिखती है। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप केदारनाथ धाम के लिए एक बिल्कुल बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जैसे मैंने करी थी अक्टूबर 2020 लास्ट वीक में। मैं गया था केदारनाथ धाम और वो जो मेरी पूरी जर्नी थी वो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करी थी और बहुत ही बजट में रहा था वो। जब लोगों से सुनता हूँ कि यार 10,000 तो ज़रूर लगेंगे केदारनाथ धाम के लिए, तो मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। टाइटल और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि अब तक की ये सबसे चीपेस्ट ट्रिप होने वाली है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो बजट ट्रिप प्लान करने के लिए या फिर जो आपकी चीप ट्रिप है प्लान करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है कि एक तो ऑनलाइन आपको नहीं देखना है, ऑफलाइन की तरफ आपको जाना है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको थोड़ा सस्ता मिलता है, कंपेयर भी आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी है। आप अगर एक पूरे ग्रुप में जा रहे हैं तो उसका जो होगा होटल का खर्चा वो आपका बच जाएगा, जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊँ तो वो आप कमेंट ज़रूर कर देना। हर हर महादेव तो ज़रूर कमेंट करना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बिल्कुल राउंड ट्रिप होगी, हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से फिर हरिद्वार। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, टिप्स भी केदारनाथ धाम के लिए इसके अंदर सब कुछ कवर होगा। सो वीडियो एंड तक देखते रहिए। सो आपकी कोई सी भी सिटी हो या फिर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार से जैसे मैंने एक बस ली थी, हरिद्वार से सोनप्रयाग वो पहुंचाती है। और वीडियो में कई सारी जगह मैं क्लिप भी यूज़ करूँगा, मेरी जो जर्नी रही थी उसकी जो क्लिप्स हैं और ये सब मैं यूज़ करूँगा इसमें। और भी अगर आप पूरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मैंने केदारनाथ धाम व्लॉग्स प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर सागर शर्मा। आप जाके वहाँ पर अब मेरी बस की जर्नी, ट्रैकिंग के वक्त क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, कैसे ट्रैकिंग होगी, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट मैंने रूम का लिया था, ऊपर इन्वायरमेंट कैसा था, बेस्ट सीज़न कौन सा है, खाना क्या था, सब कुछ एवरीथिंग उस प्लेलिस्ट में है। सो स्टार्ट करेंगे हरिद्वार से। हरिद्वार से आपको जो ये बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन है वहाँ से आपको बहुत सारी बसेज मिल जाएगी जो कि आपको सोनप्रयाग पहुँचाती है। उसका नॉर्मल फेयर होता है 550 रुपीज़ या 600 रुपीज़। उन्होंने हमें पहले 800 या 900 बोला था बट हमने बार्गेन करके कम करवाया था। तो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उनसे बार्गेन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो बस स्टैंड के पास आपको ऋषिकेश से भी मिल जाएगी, हरिद्वार से भी मिल जाएगी बस। बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी होती है, आप एक दिन पहले भी बुक कर सकते हैं शाम को उनसे, या तो एट द स्पॉट थोड़ा हो सकता है कि नहीं मिले आपको सीट एट द स्पॉट क्योंकि वो फुल हो जाती है। तो अच्छा रहेगा कि एक रात पहले ही आप बुक करवा लें अपनी बस, और सुबह बस अगर जल्दी की हो 4, 5 या 6 बजे तो सही रहेगा, क्योंकि हमारी बस थी 9 बजे और हम रात को पहुंचे थे 10 बजे सोनप्रयाग। क्योंकि जब रात हो जाती है ज़्यादा तो पहाड़ों में बस बहुत धीरे चलती है और वहाँ जाम भी लग जाता है, जैसे मैंने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करा था जो मेरी बस वाली जर्नी थी। इसका फेयर जो रहेगा सोनप्रयाग तक का आपका सिर्फ वो 550 रुपीज़ ही रहेगा। और उसके बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो सोनप्रयाग भी आप स्टे कर सकते हैं, अगर सोनप्रयाग चाहें तो सोनप्रयाग स्टे कर सकते हैं। पर हम सोनप्रयाग हमने स्टे नहीं किया, हम गौरीकुंड चले गए जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से हमने शेयर टैक्सी करी जो कि 40 या 50 रुपीज़ लेती है। हम पहुँच गए गौरीकुंड। गौरीकुंड इसलिए गए क्यों, क्योंकि अगले दिन ट्रैकिंग हमें जल्दी स्टार्ट करनी है और ट्रैकिंग गौरीकुंड से ही स्टार्ट होगी। सो वहाँ गौरीकुंड पहुँचने के बाद फिर हमने डिनर किया वहाँ पर, और वहाँ पर रूम भी हमने देखा। तो मैं आपको रूम के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप सोनप्रयाग भी रुक सकते हैं, गौरीकुंड भी रुक सकते हैं। तो हमने गौरीकुंड में 100 रुपीज़ पर बेड लिया था। वहाँ पर 500 वाले रूम भी थे, वहाँ पर 1000 वाले भी थे, वहाँ पर 300 वाले भी थे, पर हमने फाइंड करा ऑफलाइन। सो
इसी के बारे में मैं आपको शुरुआत में बात कर रहा था कि अगर आप ऑफलाइन ढंग से फाइंड आउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जितनी मैं ट्रिप का पूरा बजट बताऊंगा इससे भी कम आपके लग सकते हैं। और भी डिपेंड करता है ट्रिप बजट, ट्रिप कैसे डिपेंड करती है, कौन से सीज़न में आप विजिट कर रहे हैं वहाँ पर, कौन से सीज़न में आप जा रहे हैं। सो हम गए थे अक्टूबर में, जब ठंड रहती है स्नोफॉल भी हमें देखने को मिला, तो उस वक्त क्या था, कोरोना का टाइम भी था तो बहुत कम क्राउड था वहाँ पर, तो उसका भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अभी जस्ट 2021 में मई जून बूम वाला सीज़न रहने वाला है, क्योंकि तीर्थयात्री जो सारे होते हैं वो मई जून में आते हैं, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो ट्रैक है वो स्लिपरी हो जाता है बहुत ज़्यादा चढ़ने के लिए, और भी ट्रैकिंग करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर खच्चर भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसलिए तो बेस्ट सीज़न, मैं अपनी तरफ से अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो बेस्ट सीज़न तो मुझे सितंबर टू अक्टूबर, जब तक वो बंद होता है उससे पहले का, क्योंकि जब बंद होता है तो उससे पहले इतनी स्नोफॉल हो जाती है तो ट्रैक और स्लिपरी हो जाता है। तो ये बीच बीच में ऐसी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। सो गौरीकुंड पहुँचने के बाद हमने 100 रुपये बैठ लिया था और 1700 रुपीज़ का आपको डिनर आराम से अच्छा मिल जाएगा। तो बात हुई थी, हम गौरीकुंड पहुँच गए, रात को वहाँ स्टे करा, डिनर करा और सो गए। सुबह हम जल्दी 4:30-5 बजे उठ के तैयार होके हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अब ट्रैक में कितना टाइम लगेगा, तो ट्रैक में कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं। ट्रैकिंग में भी बता देता हूँ आपको कि क्या क्या ज़रूरत है, आपको क्या क्या ले जाना चाहिए, कैसे कितना रहेगा उसका बीच का बजट भी, क्योंकि 7-8 घंटे होंगे तो उसके बीच में भी आपको कुछ खाना होगा, क्या करना है। तो ट्रैक अब जल्दी स्टार्ट करना, क्योंकि आप अगर लेट स्टार्ट करेंगे तो आप शाम को या रात को पहुँचेंगे ऊपर, और रात को वैसे ट्रैकिंग करना वहाँ पर सेफ़ नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग करते वक्त क्या है कि बहुत जगह बैरियर नहीं है वहाँ पर। सो ट्रैकिंग जल्दी स्टार्ट कर देना सुबह आप। मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे कपूर करते हैं यार। हाँ, जाओ कपूर, ये भाई दिखा रहे हैं आपको। मैं 2 घंटे से कपूर खेले जा रहा हूँ, देखिए अब बीच बीच में लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं। ये कपूर ऐसे रख के, ये ऐसे रुमाल पे लगा लिया और ये ऑक्सीजन का लेवल क्रिएट कर देगा आपके। तो भैया का कहने का मतलब है कि आपकी सांस नहीं फूलेगी और आप अच्छे से ट्रैकिंग कर पाएंगे और इजीली। हाँ भाई, तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं मैगी पॉइंट पे। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, हर 1 या 2 किलोमीटर पे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पर। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आप यहाँ कुछ खा सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं, थोड़ी देर स्टे भी कर सकते हैं, और जगह जगह जब रेन होती है, बारिश वारिश आती है, तो उसके लिए रेन शेल्टर भी बने हुए हैं। तो घर से आते वक्त जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो कुछ स्नैक्स भी लेके आएंगे बीच में आप खा सकें। ज़्यादा हैवी मत खाना ट्रैकिंग के वक्त, ये आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। और पानी के लिए मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर वाटर मत खरीदना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर 3 या 4 किलोमीटर के बाद झरने हैं जो बिल्कुल ग्लेशियर से मेल्ट होकर पानी आता है, और वो बहुत ही शुद्ध, जिसको आप बोल सकते हैं। तो वहाँ से आप पानी पिए। अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ लेते भी है तो वहाँ मत फेंकना, वहाँ पर गंदगी मत फैलाना, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से जाके वहाँ भी ऐसा मत करना। सो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। सो उसके बाद ट्रैकिंग करके आप ऊपर पहुंचेंगे, तो 2-3, अगर आप सुबह 6 बजे भी निकल रहे हैं तो 2-3 आपको ज़रूर बच जाएंगे। कोशिश करना 2 बजे से पहले पहुंचना, क्योंकि दिन जो सुबह के जो दर्शन है वो भी आपको सुबह के दर्शन हो जाएंगे। सबसे पहले जाके आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको सबसे पहले जाके रूम देखना है। और अब मैं बजट ट्रिप के बारे में बता दूं आपको कि रूम कैसे देखना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो रूम के लिए मैं आपको बता दूं, जो मंदिर है केदारनाथ धाम, तो उसके पास रूम मत लेना, क्योंकि कॉस्टली होता है। हमने जैसे रूम लिया था वो 2500 का था, उस वक्त ज़्यादा क्राउड नहीं था इसलिए हमें वो मिल गया, वरना उसकी कॉस्ट और ज़्यादा होती है। कि जैसे आपने मेरी जो व्लॉग लिस्ट है अपनी केदारनाथ वाली, उसमें देखा होगा वो 2500 का जो हमारा रूम था। सो रूम आप लेना जो सीढ़ियाँ हैं उसके आसपास लेना, तो वहाँ पर आपको ईजिली 1000-1500 का रूम मिल जाएगा। अगर आप 5 मेंबर भी जा रहे हैं तो 1000 के हिसाब से 200 पर हेड 300 तक हो जाएगा। सो टेंट भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर जो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने रूम ले लिया, उसके बाद आपने दर्शन करें, वहाँ पर घूमें, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, वहाँ पर मेडिटेशन ज़रूर करना अगर जाओ तो, ये मेरी खुद की एडवाइस है। और बहुत अच्छा वाइब, बहुत पॉजिटिव वाइब है वहाँ पर, पूरे पहाड़ों पूरे ग्लेशियर से घिरा हुआ है पूरा केदारनाथ धाम की होती है। शाम की आरती के बाद आपको, शाम की आरती होगी, आप वहाँ पर पूरी आरती वारती देखेंगे। उसके बाद आपको डिनर करना है तो 100 रुपीज़ में आपको फुल प्लेट मिल जाती है, राजमा चावल पूड़ी सब्जी मिल जाती है। कॉस्टली होता है क्योंकि नीचे से सामान लोड होकर आता है तो ऊपर आते आते वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद आपने रूम पहले ले चुके हो आप, फिर रूम में स्टे करके सुबह कोशिश करना कि आप
जल्दी नीचे उतरने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि जब आप वापस सोनप्रयाग टू आप हरिद्वार जाएंगे तो जो बस है वो लंच से पहले पहले ही मिलती है, लंच से भी और पहले, ब्रेकफास्ट तक मान लो तब तक मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती क्योंकि 10 से 12 घंटे लगते हैं हरिद्वार पहुंचने के लिए, तो रात हो जाती है तो फिर वो बस नहीं चलती है, इसलिए तो उतरने में 4-5 घंटे आपको लगेंगे। तो कोशिश करना पड़े थोड़ा जल्दी आप उतरें। और उसके बाद आप गौरीकुंड आए, गौरीकुंड में अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम पहुँच पा रहे हैं सोनप्रयाग, हम लंच से पहले नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो केदारनाथ धाम से जस्ट ऊपर एक भैरवनाथ जी का मंदिर है, भैरवनाथ जी का, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। और जब नीचे उतरें तो गौरीकुंड है, वहाँ पर एक कुंड है, वहाँ पर गर्म पानी आता है, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और फिर नहीं पहुँच पा रहे हैं सोनप्रयाग तो एक रात फिर स्टे करना पड़ेगा आपको, गौरीकुंड से सोनप्रयाग आ जाएँ और अगले दिन की सुबह जल्दी की बुकिंग करा लें हरिद्वार के लिए। और अगर आप उसी दिन पहुँच गए तो सोन गौरीकुंड से अपना सामान उठाया और सोनप्रयाग पहुँच गए, और उसके बाद वहाँ पर एक बस बुकिंग काउंटर है, वो हैंड टू हैंड आपको आपको बस टिकट बुक करके हरिद्वार के लिए आपको बस मिल जाएगी वहाँ से। और भी अगर जैसे आप ऊपर जाते हैं आपके पास लगेज बहुत होगा तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लॉकर भी होते हैं, लॉकर रूम भी होते हैं, जो 40 या 50 रुपीज़ पर बैग चार्ज करते हैं, वो आप नीचे रख सकते हैं। सो उसके बाद आपने बस कर ली, आप हरिद्वार वापस पहुँच जाएंगे। सो ये थी पूरी राउंड ट्रिप हो गई बीच की है। सो अब पूरा हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना खर्चा आया, क्या रहा पूरी ट्रिप का। हमने हरिद्वार से स्टार्ट करा था तो हरिद्वार टू सोनप्रयाग सिर्फ 550 रहेगा, बाकी अगर वो 50 या 100 रुपीज़ और ज़्यादा ले ले तो 600-700 तक आराम से हो जाएगा आपका वहाँ तक। तो मैं तो जिस हिसाब से मैं गया था तो मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी सीजन्स पे डिपेंड करता है, वेरी करता है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ पूरे प्राइस तो ये सेम नहीं रहेंगे। अगर आप दूसरे सीजन में जा रहे हो तो वेरी ज़रूर करेंगे, तो 550 आपका हरिद्वार टू सोनप्रयाग। उसके बाद आप सोनप्रयाग टू गौरीकुंड 40-50 रुपीज़ से टैक्सी के होते हैं, तो 600 रुपीज़ ये। उसके बाद आप गौरीकुंड में, मैंने 100 रुपीज़ में स्टे करा था, मैं आपका 200 ले लेता हूँ। एक बात याद रखना, अगर आप ज़्यादा मेंबर्स जा रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा होटल्स में, अगर 1000 रुपीज़ का भी है रूम तो 4-5% में 200-200 डिवाइड हो जाएंगे। सो गौरीकुंड का हम स्टे का ले लेते हैं 200 रुपीज़, 800 रुपीज़, 100 रुपीज़ डिनर का तो 900 रुपीज़ ये। अगले दिन ट्रैकिंग के वक्त आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप बीच में कुछ खाते हैं तो 100 रुपीज़ उसके, तो 1000 रुपीज़ हो गए, आप ऊपर केदारनाथ धाम पहुँच चुके हैं। सो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि होटल्स आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, आप मंदिर से थोड़ा दूर लेना तो आपको और सस्ता पड़ेगा वो। तो हम ऊपर का स्टे का 300 रुपीज़ ले लेते हैं पर हेड, और 100 रुपीज़ आपका डिनर का, 1500 हम टोटल कर देते हैं, 1500 ये हो गया। अगले दिन आप उतरते हैं नीचे, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, मैं इसमें ना हेलीकॉप्टर इंक्लूड कर रहा हूँ ना मैं खच्चर इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसके भी अलग अलग प्राइजेज हैं हेलीकॉप्टर इनके भी। जब आप नीचे आएंगे फिर, सो जब नीचे आएंगे तो वापस आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाएंगे तो उसका है 50 रुपीज़, फिर सोनप्रयाग से आपने हरिद्वार के लिए बस बुक करी थी तो उसका है 500 रुपीज़, सिर्फ मात्र 2100 रुपये में, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने इतने में ही ट्रिप करी है, मुझे नहीं पता ये जो जाते हैं वो इतना महंगा कैसे इनको पड़ा है, जो ये 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार की ट्रिप बताते हैं इतना, तो इतना तो मुझे कुछ लगा नहीं। अगर 2100 की अगर आप 5000 भी अगर बजट मान लो तो इससे ज़्यादा तो मेरे को लगता है कि लगेगा, आराम से 4-5 हज़ार जेब में लेके चलो, आराम से केदारनाथ धाम की पूरी ट्रिप हो जाएगी। और इस बार ऐसा कोई बहाना नहीं होगा, अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करना जो बोलते हैं कि भाई इस बार नहीं जा सकता हूँ यार, मेरे पास पैसे नहीं है इस बार जाने के लिए, तो उनकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूँ पैसों वाली। तो ये बिल्कुल एक बजट ट्रिप मैंने आपको बताई है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के में है, बस यही है कि मेहनत ज़्यादा है, बस में भी आपको 10-12 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैकिंग भी आपको 8-9 घंटे की करनी पड़ेगी, उतरना भी आपको 5-6 घंटा करना पड़ेगा, पर मैंने ये सब किया है। और मैंने ये सब करते करते भी व्लॉग बनाए थे वहाँ पर, क्योंकि मैंने 7-8 व्लॉग शूट करे हैं, आपको पहले भी मैं प्लेलिस्ट के बारे में बता चुका हूँ, पूरे एक बार व्लॉग ज़रूर देख लेना, मैंने उसमें सब कुछ बताया, अपनी बस जर्नी, ट्रैकिंग, रूम, खाना, सब कुछ बताया उस प्लेलिस्ट में। तो वो एक बार चैनल पर जाकर जरूर चेक करना, उसका आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूँगा। सो और भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होगी तो sagar_sharma543 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पर मेरे को DM भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर हर हर महादेव कमेंट जरूर कर देना, जितने आप व्यूवर्स हैं, क्वेश्चन हो या ना हो, हर हर महादेव जरूर टाइप हो जाना चाहिए। इस वीडियो के लिए हम एम करते हैं
500 लाइक्स। इस बार केदारनाथ धाम आप जरूर जाएंगे, ये मेरी मनोकामना है। मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी तरफ से जो मैंने बजट ट्रिप प्लान कर लिया, अगर आप मेरी वीडियो देखकर जाते हैं प्लान करके पूरी बजट, तो ये इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं है। मेरे को ज़रूर बताना अगर आप मेरी तरफ से करके प्लान करिए फिर आप जाके आ रहे हो, तो ज़रूर बताना कि भाई हो गई, आपकी वीडियो देखी गया था और इस बार मेरे केदारनाथ धाम के दर्शन हो गए। और भी कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट कर देना, बाकी आपको सब मैं बता ही चुका हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अमेजिंग वीडियो आती रहेगी। और भी जो अपने केदारनाथ धाम की जो क्लिप्स थी अपनी, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करी है मैंने जिस जगह। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन कर देना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो लगातार आती रहेगी और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। सो गाइस, ऑफ सीजन और ऑन सीजन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका जो पूरा बजट रहेगा वो। ऑफ सीजन में अराउंड 3000 to 4000 आपका आराम से हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करा। और ऑन सीजन में 5000 to 6000 रहेगा। और ये वो मोमेंट था जब मैं 8 घंटे की ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंचा था, और ये मेरा सबसे यादगार मोमेंट है केदारनाथ मेमोरीज में, जब मैंने पहली बार मंदिर देखा था, दर्शन करे थे सीढ़ियों से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक ए डीप ब्रेथ, एवरीथिंग विल बी ओके। और इस बार आप जा रहे हैं केदारनाथ धाम, हैप्पी जर्नी, बाय।